सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। बिहार का कश्मीर कहा जाने वाला नवादा जिले के गोविंदपुर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत ऐतिहासिक पर्यटक स्थल ककोलत शीतल जलप्रपात में गुरुवार की दोपहर अचानक भीषण बाढ़ आ गई, जिससे सैकड़ों की संख्या में सैलानी घंटों फंसे रहे। सभी सैलानियों को ककोलत केयर टेकर जमुना पासवान एवं उनके सहयोगियों के द्वारा सुरक्षित बाहर निकाला गया। बताया जाता है कि नवादा जिले के ऐतिहासिक ककोलत जलप्रपात में भीषण बाढ़ आने से मुख्य धारा समीप ऊपरी स्थल का भाग पूर्ण रूप से पानी से ढक गया, साथ ही निचले हिस्से का 32 सीढ़ी भी पानी में डूब गया। यहां तक कि परिसर स्थित में मंदिर और ड्रेसिंग रूम का कुछ हिस्सा पानी में डूब गया। इस अवस्था में सैलानियों को बाहर निकालना काफी मुश्किल हो गया था। आखिर किसी तरह से सैलानियों को मुख्य धारा के पास फंसे होने पर ककोलत केयर टेकर यमुना पासवान तथा उनके सहयोगियों के द्वारा काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। सोचने वाली बात तो यह है कि एसडीओ चंद्रशेखर आजाद के निर्देशानुसार वीडियो कुंज बिहारी सिंह के द्वारा ककोलत जलप्रपात में धारा 144 लागू कर दी गई है, बावजूद सैलानियों ककोलत का आनंद उठाने के लिए वहां पहुंच जाते हैं, उसके बावजूद भी प्रतिदिन काफी संख्या में सैलानी ककोलत जलप्रपात का आनंद उठाने के लिए पहुंच रहे हैं और स्थानीय प्रशासन इस पर मुखदर्शक बनी हुई है। आप खुद तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से ककोलत जलप्रपात के मुख्य धारा में भीषण बाढ़ आ गई है और तेज रफ्तार से पानी की धार बह रही है। दरअसल हम आपको बताते चले कि ककोलत जलप्रपात में ऐसी पहली बार नहीं हुई है, बल्कि इसके पूर्व भी कई बार इस प्रकार बाढ़ आ चुकी है। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।